हेलो गाइस, वेलकम टू जियो माइंड। आज हम स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, ये आता है, सॉरी, ये आता है पेलियोज़ोइक के अंदर, पेलियोज़ोइक एरा के अंदर। और पेलियोज़ोइक एरा आता है फिनेरोज़ोइक योन के अंदर। इससे पहले चार वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ को। अभी अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्री कैम्ब्रियन की लगभग जितनी भी हिस्ट्री है वो कवर की है फोर पार्ट्स में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा पैलियोज़ोइक एरा को और आज शुरू करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड को। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। तो ये पार्ट वन रहेगा, तो अगर इस पार्ट में कवर हो जाता है कैम्ब्रियन पीरियड तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड की। ठीक है, तो चलिए। बाय द वे, ये चैनल फोकस्ड है जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जो सी अर्थ साइंसेस सीआर सीएसआईआर नेट कर रहे हैं और यूपीएससी आईएफओएस जिनका ऑप्शनल जियोलॉजी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और जो जितने भी लोग हैं जो क्यूरियस हैं अर्थ को जानने में और अर्थ की कैसे अर्थ कैसे बिहेव करती है, ठीक है, उसको जानने में, अर्थ की साइंस जानने में, तो आप उस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैलियोज़ोइक एरा है, पैलियोज़ोइक एरा के अंदर अंदर क्या आता है। ठीक है, तो पैलियोज़ोइक पैलियोज़ोइक एरा स्पेन करता है 542 मिलियन ईयर्स से 251 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, प्लस माइनस आप 1 to 2 मिलियन ईयर्स कर सकते हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट पीरियड है ये कैम्ब्रियन पीरियड है, फिर आपका ऑर्डोविसियन आता है, फिर सिलूरियन आता है, फिर डिवोनियन, कार्बोनिफरस, परमियन। ठीक है, इनके अंदर जो सीरीज हैं या एपोक हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो फेमस है कार्बोनिफरस जिसपे क्वेश्चन बनता रहता है वो है मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन। ठीक है, तो क्योंकि हम इस वीडियो में कैम्ब्रियन की बात करेंगे तो हमारा फोकस कैम्ब्रियन पे रहेगा। वैसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ पीरियड को याद करने की। ठीक है, तो आप इस निमोनिक्स को याद कर सकते हैं, कम ओवर सो डैन कैन प्ले, कम ओवर सो डैन कैन प्ले। सी से कैम्ब्रियन, ठीक है, ओ से ऑर्डोविसियन, एस से सिलूरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफरस एंड प्ले से परमियन। ओके, सो अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको ये बिल्कुल जो पांच सॉरी छह पीरियड हैं ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, नाउ ये जो स्निपेट लिया है मैंने, ये क्रोनो जो इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रेटिक क्रोनोस्टेटिग्राफी चार्ट है उससे लिया है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन के अंदर क्या क्या आता है। कैम्ब्रियन के अंदर जो सीरीज या एपोक आते हैं, बाय द वे सीरीज एपोक में अंतर ये है कि सीरीज अपना स्टेटिग्राफिक सीरीज है, ठीक है, एपोक अपना टाइम है। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि जो भी क्या कहते हैं जो लेयर्स सेडिमेंट्स की या जो रॉक यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सीरीज के अंदर आती हैं और एपोक अपना टाइम हो गया। ठीक है, तो टेरिनिवियन सीरीज सबसे नीचे, सीरीज नंबर टू ऊपर, फिर म्याओलिंगियन सीरीज, देन फिरोंगियन सीरीज। इनके अंदर फिर स्टेज आती हैं, सबसे लोअर जो स्टेज है फॉर्च्यूनियन स्टेज है, फिर स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, वुल्यूअन, ड्रूमियन, ठीक है, गुजांगियन, पैबियन, जियांगशानियन। तो आप इसमें देख रहे होंगे ज़्यादातर नेम चाइनीज नेम है, तो ये ज़्यादातर जो सीरीज स्टेज वगैरह पाए गए हैं ये चाइना में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो मैंने लिखा है जीएसएसपी, आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि जीएसएसपी होता क्या है। जीएसएसपी इज बेसिकली अ ग्लोबल बाउंड्री स्टेटोटाइप सेक्शन पॉइंट। ठीक है, इज एन इंटरनेशनली अग्रीड पॉइंट विच डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ अ स्टेज। ठीक है, तो स्टेटिग्राफी में कोई भी पॉइंट, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे जो एक स्टेज की स्टार्ट को देखकर दर्शाता है उसको हम जीएसएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी कैम्ब्रियन के जो स्टेज को दर्शाया है, सबसे लोएस्ट स्टेज यानी कि फॉर्च्यूनियन को जो दर्शाया है वो किस फॉसिल ने दर्शाया है, वो दर्शाया है ट्रेप्टिकनस पीडम ने। ये एक तरीके से का वर्म था, ठीक है, बरोइंग टाइप का वर्म, तो ये पाया गया है फॉर्च्यूनियन स्टेट में, स्टेज में, तो ये जीएसएसपी है फॉर्च्यूनियन स्टेज की।
ट्रेप्टिकनस स्पीडम का मतलब ये होता है टर्न टेल ऑफ फीट, ठीक है, यानी कि ग्रीक में इसको टर्न टेल बोलते हैं और लैटिन में टर्न टेल ऑफ, सॉरी टर्न ट्रेल, इट्स अ ट्रेल, इट्स नॉट अ टेल, इट्स अ ट्रेल, ठीक है, टर्न ट्रेल ऑफ अ फीट। तो कुरना के कुछ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा जब हम फॉसिल्स की बात करेंगे। तो अभी आपको इतना देखना है कि जो जीएसएसपी फॉसिल है ये ट्रेप्टिकनस स्पीडम है फॉर्च्यूनियन स्टेज का, जो कैम्ब्रियन को शुरुआत करता है, ठीक है। तो ये यानी कि ये डिफाइन करता है कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री को। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट्स थे जो कैम्ब्रियन पीरियड में थे। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि पेनोशिया जो था वो रिफ्ट कर चुका था, यानी कि ब्रेकअप कर चुका था चार लार्ज कॉन्टिनेंट्स में। पेनोशिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था बाय द वे, एंड इसको मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये गोंडवाना के अंदर आते थे, आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं नॉर्थ जो लॉरेंशिया था वो नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेटर के पास थे, ठीक है। कुछ छोटा सा पोर्शन गोंडवाना का साउथ पोल में था, ठीक है। तो ये व्यू जो दिख रहा है ये साउथ पोल, डाउन द साउथ पोल दिख रहा है, तो आपको ठीक है ये देख सकते हैं कि गोंडवाना यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पोर्शन अभी साउथ पोल पे है और इंडिया ट्रॉपिक्स की तरफ है, ठीक है। साइबेरिया भी यहाँ इक्वेटर पे है, ठीक है। तो बाल्टिका कंस्टिट्यूट करता था यूरोप को एंड साइबेरिया अपना साइबेरिया था, एंड द सी बिटवीन बाल्टिका एंड लॉरेंशिया वॉज आईपीटेस सी एंड द ओशन वॉज पेंथलासा ओशन, ठीक है। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में कि कैम्ब्रियन पीरियड एक बेसिकली 543 से 490 मिलियन, ठीक है, ईयर्स इसका स्पैन था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे, ठीक है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स फर्स्ट अपेयर इन दिस फॉसिल रिकॉर्ड, कैम्ब्रियन फॉसिल रिकॉर्ड में मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स पहली बार आए और लगभग ऑलमोस्ट जितने भी फाइलम हैं वो यहाँ पे अपेयर हुए। इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं क्योंकि रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डाइवर्सिटी आई, ठीक है। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को थोड़ा हम आगे भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो रॉक फॉर्म ड्यूरिंग डिपॉजिटेड ड्यूरिंग दिस टाइम आर असाइंड कैम्ब्रियन नेम कैम्ब्रियन सिस्टम। इसको इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एडम सेडविक ने 1835 में नेम किया था, ठीक है। कैम्ब्रिया नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सदर्न वेल्स इंग्लैंड से लिया गया है क्योंकि कैम्ब्रिया, सदर्न वेल्स का नाम कैम्ब्रिया था रोमन टाइम में, ठीक है। तो वहीं से इसको कैम्ब्रिया नाम, कैम्ब्रियन नाम दिया गया। नाउ जो नेम है अपने, इनको थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि कैसे लिए गए हैं। कैम्ब्रिया जो लिया गया है, ठीक है, वेल्स से अपना ओडोविसन लिया गया है, ओडोविस और सिलुरियन लिया गया है। सिलुरिस ये ट्राइब्स थे वेल्श, यानी कि इंग्लैंड में ट्राइब्स थे, ठीक है, सेल्टिक ट्राइब्स, इनका नाम ओडोविस और सिलुरिस था, तो ओडोविसन सिलुरियन यहाँ से लिया गया। डिवोनियन डेवनशायर इंग्लैंड से, इंग्लैंड से ही क्यों लिया गया क्योंकि भाई उस समय जो ज़्यादातर साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड से ही आते थे क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी डेवलप्ड था, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले जियोलॉजी की वो जो एक एक्सप्लोर करना शुरू किया, इंग्लैंड पे ही थे, ठीक है। नाउ जो कार्बोनिफरस में है मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन, वो मिसिसिपर रिवर वैली के नाम पे लिया गया है ना, ये जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी भी है तो उसके स्टेट पे नहीं लिया गया है, मिसिसिपी रिवर वैली के नाम पे मिसिसिपियन लिया गया है और पेंसिल्वेनियन पेंसिल्वेनिया के नाम पे लिया गया। परमियन हमने पहले डिस्कस किया था, रीजन ऑफ परम है एक रशिया में, ठीक है, एक टाउन है यूराल माउंटेन्स के फुटहिल्स में, ठीक है, रशिया में, वहां से परमियन नाम लिया गया, ठीक है। एक्सेप्शन ये रूल है कि जो कार्बोनिफरस है वो किसी लोकेलिटी के नाम पे नहीं लिया गया, कार्बोनिफरस का नाम होता है कोल बियरिंग, ठीक है, इसी टाइम पे जो एक्सटेंसिव कोल बियरिंग जो हमारे बेड्स मिलते हैं आजकल वो ज़्यादातर कार्बोनिफरस पीरियड के हैं, ठीक है। अब थोड़ा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन काफ़ी टॉक्ड इश्यू है कैम्ब्रिया पीरियड के बारे में। तो कैम्ब्रियन टाइम पे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर था वो 21 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि
आज के टेम्परेचर से लगभग 6-7 डिग्री ज़्यादा था, यानी कि वार्म था एवरेज टेम्परेचर वहाँ का। और O2 लेवल जो थे वो 10 to 12.5% थे, ठीक है, तो बहुत कम, आज के हिसाब से कम थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से यानी कि प्री कैम्ब्रियन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में जो O2 लेवल्स था, लेट प्री कैम्ब्रियन में आप कह सकते हैं 1 to 3% के आसपास था। तो ये जंप हुआ 3% से लगभग सीधा 10 to 12% के आसपास, ठीक है। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने क्या किया, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, जिनकी कंपाउंड आइज थी। इससे पहले आइज का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, और कैम्ब्रियन के पीरियड में ही आइज जो थी वो बननी शुरू हुई थी, ठीक है। आर्थ्रोपॉड्स सब सब जानते हैं, ठीक है, अपेंडेजेस होते हैं जिनके, वर्म्स बने, फेदरी गिल्स, ठीक है, स्विफ्ट प्रेडेटर्स भी आए, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई किसने किस कारण से ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो आजकल जो साइंटिस्ट दिखते साइंटिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ है वो बेसिकली ऑक्सीजन के सडनली इंक्रीज होने से हुआ है, क्योंकि इसने एक इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड को पार कर दिया था। और जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, आपने देखा कि 3% से सीधा 12.5% हुई थी, जो प्रेडेटर्स भी थे वो भी, उनका इमरजेंस होना शुरू हो गया था। प्रेडेटर्स, ठीक है, कार्निवोर्स टाइप के जो एनिमल्स थे। तो जैसे ही कार्निवोर्स आए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक अनोमलोकोरेस है, एक टॉप प्रेडेटर, ठीक है, कैम्ब्रियन टाइम के, और ये कुछ ऐसा दिखता था। तो जैसे ये प्रेडेटर्स आए, इन्होंने एक इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आर्म्स रेस जैसे स्टार्ट हुई, मतलब जो प्रेडेटर है वो भी अपने इवॉल्व होना शुरू हो गए, ठीक है, शार्पर टीथ, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, और जो प्रे भी थी उन्होंने भी अपना एक शेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो एक इवोल्यूशनरी आर्म रेस शुरू होगी प्रेडेटर और प्रे में, तो जिन्होंने जो दैट लेड टू द बर्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप बनने शुरू हुए, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द अर्थ्स इवोल्यूशन, ठीक है। तो गाय नॉर्बो ने, एक पैराबायोलॉजिस्ट हैं क्वींस यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये कहा है। सो बिटवीन 3% एंड 10% ऑक्सीजन लेवल, प्रेडेटर्स इमर्ज एंड स्टार्ट टू कंज्यूम अदर्स एनिमल्स। नाउ, और जो पॉसिबल कॉज होते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के, वो ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, डिक्रीज इन यूवी, एज ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो यूवी डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से लिथालिटी जो यूवी रेज की है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा एनिमल्स का। इससे पहले हमने देखा था कि जो स्नोबॉल अर्थ थी क्रायोजेनियन पीरियड में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे, उसने मास एक्सटिंक्शन किया था प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स का, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि पहली लाइफ फॉर्म जो कम हो गई थी तो कैम्ब्रियन में एकदम से बढ़ गई, तो वो एक्सप्लोजन का रूप ले लिया उसने, ठीक है। कैल्शियम कंसेंट्रेशन ज़्यादा था सी वाटर में, ये भी एक कॉज हो सकता है जिसने हेल्प किया ऑर्गेनिज्म को हार्ड शेल्स बनाने में। एंड अपियरेंस ऑफ को एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन माने के जो प्रेडेटर्स थे और प्रे थी, उन्होंने एक आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे कि बर्जेस जो शेल है वो क्या है, ठीक है, और डिफरेंट तरह के एनिमल्स कैसे फाइला, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइला जो इंट्रोड्यूस हुए कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे वो क्या क्या थे, ठीक है, पेलियो क्लाइमेट कैसा था। एक बर्जेस शेल एक इम्पोर्टेंट रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ से कैम्ब्रियन पीरियड के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे वीडियो में और हम कैम्ब्रियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।